इंटरनेट पर एक ऐसी जगह भी मौजूद है जहां पर तुम कुछ भी पोस्ट कर सकते हो, कुछ भी मतलब कुछ भी, तुम जो भी कहना चाहते हो, जो भी तुम्हारे ब्रेन में है वो सब कुछ, कोई भी फिल्टर नहीं बीच में, तुम्हें वो सब कुछ कहने की आज़ादी है और तुम्हें कोई भी नहीं रोक सकता वहां। उस जगह हर कम्युनिटी है और इवन मेनी कम्युनिटीज टॉक अगेंस्ट टू ईच अदर ओवर देयर बिना किसी बैरियर के। लेट सपोज यू वांट टू टॉक अबाउट अ टॉपिक इन सेक्स, पॉलिटिक्स, डार्क वेब, और जो भी तुम वहां पर बोलोगे लोग उस बात को सीरियस लेंगे, मतलब जो उस टॉपिक पर इंटरेस्टेड होंगे तो वो भी तुम्हें वहां पर ज्वाइन करेंगे और वहां कोई भी तुम्हें रोकने वाला नहीं होगा। तुम्हें शायद पता हो कि अगर हम फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम या टिकटॉक का यूज करते हैं तो वहां पर हमें कम्युनिटी गाइडलाइन का बहुत ही ख्याल रखना होता है, मगर इस जगह हमें किसी की भी केयर नहीं होती। सो आई एम टॉकिंग अबाउट रेडिट एंड देयर यू कैन टॉक अबाउट एनीथिंग बाय क्रिएटिंग योर सब रेडिट। रेडिट पर तुम अपनी फैंटेसी को लेकर अपनी कम्युनिटी बना सकते हो और तुम वो सब कुछ शेयर कर सकते हो जिसमें तुम्हारी इंटरेस्ट है, और वो लोग जो तुम्हारी जैसी सोच रखते हैं वो भी वहां पर तुम्हें ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन वहां पर जो लोग आते हैं जरूरी नहीं है कि वो लोग अच्छे हो और वो अच्छे टॉपिक पर ही डिस्कस करें। जब रेडिट जैसी चीज गलत लोगों के हाथ लगती है तो वो गलत गलत टॉपिक पर सब रेडिट बना सकते हैं। मैं बार बार सब रेडिट्स की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पर मैं तुम्हें बता दूं कि सब रेडिट का मतलब है कि जैसे कि हम फेसबुक या इंस्टाग्राम पर पोस्ट्स करते हैं और लोग वहां पर हमें रिप्लाई या कोई कमेंट बैक करते हैं, वैसे ही रेडिट पर सब रेडिट्स बनाए जाते हैं जो कि थ्रेड की तरह काम करता है, जिससे एक कैटेगरी बन सकती है ऐसे टॉपिक की जिससे तुम्हारे जैसी सोच रखने वालों की कम्युनिटी बन सकती है, और वो ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो कि सोशली एक्सेप्टेबल नहीं होते। काफी ऐसे टॉपिक्स भी होते हैं जिनके बारे में मैं और तुम पब्लिकली बात नहीं कर सकते, उन टॉपिक्स में रेडिट अवेलेबल होता है। आई विल रिकमेंड यू कि तुम वहां पर जाके खुद देखो कि रेडिट पर क्या होता है और वहां पर सब रेडिट्स कैसे होते हैं। मैं अगर बिल्कुल इजी वे में बताऊं तो रेडिट वो जगह है जहां पर तुम अगर कोई भी सवाल पूछो तो वो तुम्हें उसका भी जवाब दे देगा जो हमें नॉर्मल गूगल या चैट जीपीटी भी नहीं दे सकता। रेडिट पर तुम्हें ऐसी ऐसी क्रीपी, स्केरी और स्ट्रेंज स्टोरीज मिल सकती हैं, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस के आंसर्स मिल सकते हैं जो तुम्हें कहीं और नहीं मिलेंगे। तो रेडिट एक बहुत काम की जगह है, लेकिन अगर तुम रेडिट की डार्क साइड पर चले गए और तुम उसकी क्रीपी कॉर्नर में जाके फंस गए तो वो बहुत ही ज्यादा हर्डल भी पैदा कर सकता है तुम्हारे लिए। और आज ऐसी ही डार्क और डिस्टर्बिंग सब रेडिट्स के बारे में मैं तुम्हें बताने वाला हूँ जहां पर तुम्हें नहीं जाना चाहिए, या फिर तुम एक अच्छे एक्सप्लोरर हो तो तुम जा सकते हो तो शायद ये सब रेडिट्स तुम्हें इंटरेस्टेड लगे। लेकिन फिर भी मैं तुम्हें मना कर रहा हूं कि तुम उन सब रेडिट्स की तरफ नहीं जाना, चाहे तुम कितने भी क्रेजी क्यों ना हो। नंबर वन इज आई ब्लीच। इस सब रेडिट को हम रेडिट का सबसे डार्केस्ट पॉइंट भी कह सकते हैं। आई ब्लीच सब रेडिट तब पॉपुलर हुआ था जब बाकी के सब रेडिट जैसे वॉच पीपल टू डाई, अवर स्लेश कोर्स जैसे रेडिट्स बंद हुए थे, तब जाकर ये सब रेडिट आया था। और उस सब रेडिट पर लोग बहुत ही ज्यादा डिस्कस्टिंग फोटोज और वीडियोस शेयर करते हैं। सपोज अगर किसी इंसान का एक्सीडेंट हो गया है और उसकी बॉडी है जो कि इस हालत में नहीं है कि उसको देखा जा सकता है, तो लोग इस सब रेडिट के जरिए उसको शेयर कर सकते हैं। अगर तुम्हारा दिल भी मेरी तरह कमजोर है तो बिल्कुल भी इस रेडिट पर नहीं जाना, क्योंकि जब मैं इस वीडियो के लिए सर्च कर रहा था कुछ वीडियोज को तो मैं इस सब रेडिट पर चला गया था, तो फिर पहले तो मेरी जान ही निकल गई थी क्योंकि वहां पर जो मैंने कुछ देखा शायद ही मैं उसको ना भुला पाऊंगा। ये रेडिट काफी ज्यादा डिस्टर्बिंग है और काफी मशहूर भी है, काफी सारे डार्क सर्चेस के लिए ये आज भी इस्तेमाल होता है और इसीलिए ये सबसे ज्यादा पॉपुलर है। नंबर टू इज ट्रू क्रीपी। अगर तुम क्रीपी और स्केरीज वीडियोस एंड स्टोरी लवर हो और तुम्हें अच्छा लगता है कि तुम वहां जाओ और उनको एक्सप्लोर करो तो तुम ट्रू क्रीपी को विजिट कर सकते हो। अगर तुम्हारी जिंदगी डिस्टर्ब ना हो जाए तो फिर कहना। इस सब रेडिट पर तुम्हें ऐसी चीजें मिलेगी कि जो तुमने कभी भी नहीं देखी होगी और सब कुछ वो रियल होगा। इस सब रेडिट पर तुम्हें ऐसी चीजें मिलेंगी जो तुम्हें बहुत ही ज्यादा रियल लगेंगी, लेकिन उनमें इतना क्रीपी एलिमेंट होता है कि जो सुनकर और देखकर शायद तुम्हें घूस पंप्स आ सकते हैं। और इस सब रेडिट पर लोग अपने रियल एक्सपीरियंसेस को शेयर करते हैं और वो फोटोज और फुटेजेस रखते हैं जो उन्होंने शायद सच में देखे होंगे। इन स्टोरीज को पढ़कर जब तुम उनके प्रूफ्स देखोगे तो शायद तुम्हारी हालत भी खराब हो सकती है। नंबर थ्री इज द ट्रुथ इज हेयर। ये कहीं ना कहीं सिमिलर है ट्रू क्रीपी से, लेकिन वहां पर जो स्टोरीज होती हैं वो तुम्हें मेन स्ट्रीम या टीवी या किसी और सोशल प्लेटफॉर्म पर नहीं मिलेगी। वहां पर लोग ऐसी ऐसी पोस्टर्स करते हैं जो एक्सट्रीम ट्रू होती है।
जो कभी भी इंटरनेट पर पहले कभी शेयर नहीं हुई होगी। जैसे अगर एलियंस को अगर किसी ने देखा है या ऐसी चीजों को जिनके बारे में आप सोच भी नहीं सकते, वहां पर लोग हिडन गवर्नमेंट्स के बारे में भी बात करते हैं या किसी भी गवर्नमेंट के टॉप सीक्रेट्स के बारे में भी बात करते हैं, जो शायद सुनकर आप हैरान रह जाओ कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। नंबर 4 इज स्पॉन्टेनियस एश। ये एक ऐसा सबरेडिट है जो एक शख्स ने आज से 10 साल पहले बनाया था और उसके एक्सपीरियंस को वो दूसरों के साथ शेयर करना चाहता था। उस शख्स को लगता था कि वो काफी बोरिंग लाइफ जी रहा है और वो काफी अच्छी जॉब भी करता था और नॉर्मल लाइफ जीता था। जब वो अपनी ऑफिस के रास्ते पर जाता था तो वो काफी ड्रग्स एडिक्ट्स को देखता था। जब वो कॉलेज में था तो कभी कभी वो ड्रग्स का यूज करता था, मगर जब उसने ऑफिस जाना शुरू किया तो उसकी लाइफ बिल्कुल ही बोरिंग हो गई और वो डिसाइड करता है कि वो हीरोइन को ट्राई करेगा। और फिर वो एक दिन ऑफिस जाता है और उससे रास्ते में वही लोग मिलते हैं जो ड्रग्स का यूज और सेल करते हैं। काफी टाइम उन ड्रग्स डीलर को कन्विंस करने के बाद कि वो कोई पुलिस वाला नहीं है, उसे वो ड्रग डीलर्स एक नंबर देते हैं और कहते हैं कि इस दिन और इस टाइम इस जगह पर आ जाना। और जब वो वहां पर जाता है तो उसे ड्रग्स दे दी जाती है और वो उस ड्रग्स का इस्तेमाल करता है और काफी खुश होता है कि उसकी जिंदगी में कोई नई चीज उसे ट्राई करने के लिए मिली है और वो उस एक्सपीरियंस को रेडिट पर शेयर करता है। और हर बार ड्रग लेने के बाद वो दोबारा अपने एक्सपीरियंस को शेयर करता है और कुछ टाइम के बाद वो भी ड्रग एडिक्ट बन जाता है। उसने अपने एक्सपीरियंस में लिखा था कि उसे बहुत ही ज्यादा पसीने आ रहे थे, वो पैनिक फील कर रहा था और उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो उस चीज को कैसे डील करे। और उसके सारे एक्सपीरियंसेस जब तुम पढ़ोगे तो तुम्हारे रोंगटे भी खड़े हो जाएंगे। वो सब कुछ पढ़कर तुम्हें समझ में आएगा कि ड्रग्स से क्यों दूर रहना चाहिए। ये सालों पुराना सब रेडिट है और मैं पता देना चाहता हूँ तुम्हें कि वो अब भी जिंदा है। काफी सालों के बाद उसने वापसी पोस्ट करा था उस सब रेडिट पर कि मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ और मेरे साथ काफी सारी चीजें हुई और अब मैं अपनी नॉर्मल लाइफ में वापस आ चुका हूँ। और अगर तुम्हें ये स्टोरी इंटरेस्टिंग लगे तो तुम इस सब रेडिट पर जाकर खुद भी रीड कर सकते हो। इट्स सो डिस्टर्बिंग कि रेडिट जैसे प्लेटफॉर्म पर लोग ऐसी ऐसी चीजें शेयर करते हैं। रशिया, चाइना, इंडिया, इंडोनेशिया एंड पाकिस्तान में रेडिट बिल्कुल ही बैंड है क्योंकि इस पर हेट स्पीच और पोर्नोग्राफी का बहुत ही इस्तेमाल होता है, जो कि मैं आपको पहले ही इस वीडियो की स्टार्टिंग में बता चुका हूँ। इस पर लोग अपनी हर किस्म की फैंटेसी को शेयर कर सकते हैं। अब ये तो उन लोगों के ऊपर है कि ये उनकी फैंटेसी किस तरह की होगी।